ये सेल आपके रिचार्जेबल होंगे, जिस वजह से हम लोग इसको बार बार इस्तेमाल में ला सकते हैं। यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स इज एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अपोलो स्पेस मिशन। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत बेहतर होंगे। बच्चों, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत टोटल 9 लेक्चर को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको लास्ट लेक्चर पर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और साथ साथ बैटरी के बारे में पढ़ाया था। बैटरी में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर पे प्राइमरी सेल के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने आपको ड्राई सेल के बारे में इंफॉर्मेशन दिया और साथ साथ मरकरी सेल के बारे में हमने इंफॉर्मेशन दिया। आज हम लोग इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लास्ट लेक्चर पर हम लोग पढ़ेंगे बैटरी का अनदर टाइप, जो सेकेंडरी सेल के नाम से जाना जाता है, जिसमें दो अलग अलग सेल पढ़ेंगे हम लोग, एक लेड स्टोरेज सेल और दूसरा निकेल कैडमियम सेल, और एक और सेल हम लोग पढ़ेंगे फ्यूल सेल, और उसके बाद ये चैप्टर हमारा आज कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए हम लोग आज के इस लेक्चर की शुरुआत कर लेते हैं। बच्चों, हम लोग लास्ट लेक्चर पे प्राइमरी सेल के बारे में पढ़े थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि कोई भी एक ऐसे सेल या कोई भी ऐसे बैटरी जिसकी लाइफ ज़्यादा नहीं होती या एक डिफिनिट लाइफ होता है और एक इंटरवल आने के बाद वो डेड हो जाते हैं, उसको आप रिचार्ज नहीं कर सकते हैं। जिसमें हमने दो सेल पढ़े, एक था ड्राई सेल और एक था आपके पास मिनीएचर सेल, जिसको मरकरी सेल के नाम से भी जाना जाता है। सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी बैटरी हम लोग उस टाइप की बैटरी को बोलते हैं जिसको आप बार बार रिचार्ज कर सकते हैं और बार बार उसको आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। तो सेकेंडरी सेल क्या होगा, अगर मैं इसका डिफिनेशन लिखूं, द सेल विच हैव इनडिफिनिट लाइफ पीरियड एंड कैन बी रिचार्ज्ड बाय सप्लाइंग डायरेक्ट करंट कॉल्ड सेकेंडरी सेल। मोटा मोटी बात, इसमें वो सेल पढ़ेंगे जिसको आप बार बार रिचार्ज कर सकते हैं। अब चूंकि बार बार रिचार्ज होगा तो आप इसको बार बार इस्तेमाल भी कर सकते हैं, है ना। तो यहां पे एक पॉइंट मैं लिख रहा हूं, सेकेंडरी सेल कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन due to these are rechargeable cell। ये सेल आपके रिचार्जेबल होंगे, जिस वजह से हम लोग इसको बार बार इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसमें दो अलग अलग सेल पढ़ेंगे बाबू, एक होगा लेड स्टोरेज सेल और एक होगा निकेल कैडमियम सेल। तो पहले इसको कॉपी करो, उसके बाद हम लोग लेड स्टोरेज सेल के बारे में चर्चा लेंगे और साथ साथ निकेल कैडमियम सेल के बारे में भी चर्चा लेंगे, ठीक है? कॉपी करो। चलिए बच्चों, आगे की ओर मूव करते हैं। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं लेड स्टोरेज सेल के बारे में। इस टाइप का सेल आपने कहीं ना कहीं तो देखा ही है, बाइक में आमतौर पे इसका इस्तेमाल करते हैं, गाड़ियों में इसका इस्तेमाल किया जाता है, आपके घर पे इन्वर्टर के साथ जो बैटरी होते हैं वो भी आपका लेड स्टोरेज सेल ही होता है, है ना। तो लेड स्टोरेज सेल का इस्तेमाल हम लोग ऑटोमोबाइल्स वगैरह में करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ, इट इज फ्रीक्वेंटली
यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल्स। अच्छा, अगर मैं लेड स्टोरेज सेल की बात करूं तो लेड स्टोरेज सेल जो होता है ना, ये 6 गैल्वेनिक सेल का एक सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। कहने का मतलब 6 गैल्वेनिक सेल को अगर आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तब जाकर के ये सेल का निर्माण होता है। तो मैं यहां पे एक पॉइंट लिखता हूं, इट कंसिस्ट ऑफ 6 गैल्वेनिक सेल आर कनेक्टेड इन सीरीज। 6 गैल्वेनिक सेल को आप सीरीज में कनेक्ट करते हैं तब इस सेल का निर्माण होता है। अब अगर इसमें एनोड की बात करते हैं तो इसमें एनोड लेड का बना होता है और उसके ऊपर स्पॉन्जी लेड से कोटिंग की जाती है, और जो कैथोड होता है वो आपका लेड का ही बना होता है, उसमें कोटिंग लेड ऑक्साइड का किया जाता है। तो मैं यहां पे एक पॉइंट और लिखने जा रहा हूं, इन दिस सेल एनोड इज मेड अप ऑफ लेड ग्रिड्स फिल्ड विथ स्पॉन्जी लेड, वाइल डैट ऑफ कैथोड इज मेड अप ऑफ लेड ग्रिड्स फिल्ड विथ लेड ऑक्साइड। मतलब इसमें एनोड भी आपका लेड का ही बना होगा, बशर्ते कि उसमें स्पॉन्जी लेड फिल किया जाएगा या उसको कोटिंग किया जाएगा, और जो कैथोड होगा वो भी आपका लेड ग्रिड्स का ही होगा, बशर्ते कि उसके ऊपर आपका लेड ऑक्साइड फिल किए जाएंगे। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के रूप में जो है ना, वो सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उसकी कॉन्सेंट्रेशन लेवल 38% होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 38% होना चाहिए। तो अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में बोलूं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कर दो इज 38% सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो ये आपके पास लेड स्टोरेज सेल की तमाम कंस्ट्रक्शन के अंदर इस्तेमाल होने वाले सारी चीजों के बारे में हमने आपको बताया। ये क्या होता है, इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ पे करते हैं? ऑटोमोबाइल्स पे। दूसरा, लेड स्टोरेज सेल जो होते हैं वो 6 गैल्वेनिक सेल को सीरीज में कनेक्ट करके बनाया जाता है। इसके अंदर जो एनोड होता है वो लेड ग्रिड्स के बने होते हैं, और उसमें स्पॉन्जी लेड भी फिल किया जाता है, और कैथोड जो होता है वो भी आपका लेड ग्रिड्स का होता है, और इसमें आपका लेड ऑक्साइड को फिल किया जाता है। अच्छा, इसमें जो सॉल्यूशन होते हैं ना बाबू, वो सॉल्यूशन आपका 38% सल्फ्यूरिक एसिड का होता है। अब एनोड पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी और कैथोड पे रिडक्शन की प्रोसेस होगी, और इसमें करेंट की प्रोडक्शन आपको देखने को मिल जाएगा। हम लोग देखेंगे, पहले आप इसको जरा कॉपी करो, उसके बाद एनोडिक रिएक्शन और कैथोडिक रिएक्शन दोनों ही देख लेते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों, इसके बाद हम लोग इसके रिएक्शंस के बारे में बात करें तो डिस्चार्जिंग रिएक्शन की बात कर रहे हैं, मतलब बैटरी के द्वारा करंट प्रोड्यूस किया जा रहा है, यानी कि आप कह सकते हैं ये सेल डिस्चार्ज हो रहा है। क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। तो डिस्चार्ज होने के दौरान एनोड पर ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी और कैथोड पर रिडक्शन की प्रोसेस होगी। अब चूंकि ऑक्सीडेशन होना है तो इलेक्ट्रॉन यहां पर रिलीज कर दिया, रिडक्शन होना है तो इसी इलेक्ट्रॉन को ये खा लिया, और दो इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएंगे यहां पे, पर आपके पास नेट रिजल्ट क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड, लेड सल्फेट एंड वाटर मॉलिक्यूल। ये जो रिएक्शंस हो रहे हैं ना,
ये वाला रिएक्शन ये आमतौर पर डिस्चार्जिंग के दौरान होगा। देखो जब भी आपका लेड स्टोरेज से डिस्चार्ज होगा ना, तो वहां पे जो सल्फ्यूरिक एसिड है बाबू, देखो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है, ये कंज्यूम होना शुरू होगा। भाई जैसे जैसे सल्फ्यूरिक एसिड कंज्यूम होगा, वैसे वैसे ये सेल आपका डिस्चार्ज होता चला जाएगा। यानी कि डिस्चार्जिंग के समय कह सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड आपका क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। क्या हो रहा है बाबू, कंज्यूम हो रहा है। अब अगर मैं चार्जिंग रिएक्शन के बारे में बात करूं, चार्जिंग रिएक्शन, तो आप एक बात से बखूबी वाकिफ हैं कि डिस्चार्जिंग का ठीक उल्टा क्या होता है, चार्जिंग होता है। अब डिस्चार्जिंग के दौरान ये रिएक्शन हुआ, तो चार्जिंग के दौरान इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा। तो जैसे इस रिएक्शन को आप रिवर्स करेंगे ना, ये आपका चार्जिंग वाले रिएक्शन हो जाएंगे, मतलब इसका रिएक्टेंट इसका प्रोडक्ट हो जाएगा और इसका प्रोडक्ट इसका रिएक्टेंट हो जाएगा। और एक और बात ध्यान देना, जब भी आप चार्जिंग रिएक्शन की बात करते हैं, तो सल्फ्यूरिक एसिड का यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है बाबू, फॉर्मेशन होता है। तो याद रखना, यहां से एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग रिएक्शन ऑफ लेड स्टोरेज सेल सल्फ्यूरिक एसिड क्या होते हैं, कंज्यूम होते हैं, और वहीं पे चार्जिंग के दौरान सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। और अगर इस सेल की आप सेल पोटेंशियल की बात करते हैं, तो ये 6 वोल्ट से स्टार्ट होकर के 12 वोल्ट तक जा सकता है, मतलब मिनिमम 6 वोल्ट आप कह सकते हैं और मैक्सिमम ये 12 वोल्ट तक जा सकता है। तो लेड स्टोरेज सेल के बारे में आपको मैंने बता दिया है, रिएक्शन किस तरीके से है आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो पहले इसको जरा कॉपी करो, इसके बाद निकेल कैडमियम सेल के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बच्चे, इसके बाद हम लोग आगे की ओर मूव करते हैं। तो एक और सेकेंडरी सेल है निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल। निकेल कैडमियम स्टोरेज सेल में आप एनोड की बात करते हैं, तो एनोड कैडमियम रॉड का बना होता है। वहीं पे कैथोड की बात करते हैं, तो ये निकेल ऑक्साइड का बना होता है। इसका बना होता है निकेल ऑक्साइड का। मैं आप लिख रहा हूं, इन दिस सेल एनोड इज मेड अप ऑफ कैडमियम रॉड, while that of cathode is made up of nickel oxide और electrolytic solution या electrolytes जो आप इस्तेमाल करोगे यहाँ पे, this is aqueous potassium hydroxide। क्या होता है, aqueous potassium hydroxide, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इन निकेल कैडमियम सेल इज एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। नाउ एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी, कैथोड पर रिडक्शन होगा, और यहां पे करंट की प्रोडक्शन आपको देखने को मिल जाएगी। तो एनोड पर क्या हुआ बाबू, ऑक्सीडेशन होगा, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर रिलीज करेगा और इसी इलेक्ट्रॉन को कैथोड के द्वारा रिडक्शन के लिए इस्तेमाल कर लिया जाएगा। और नेट रिएक्शन क्या मिलेगा आपके पास, नेट रिएक्शन आपके पास ये वाले हो जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं रिएक्शन कैसे इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें जो आपके पास सेल पोटेंशियल निकल करके आता है, दिस इज 1.4 वोल्ट। मोस्टली आप एक चीज ध्यान देना बाबू, जब भी आपको बैटरीज के बारे में पढ़ोगे, तो 3 चीज को माइंड में हमेशा बनाए रखना। पहला, एनोड किस मटेरियल का बना हुआ है, कैथोड किस मटेरियल का बना हुआ है, और उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट्स क्या इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। और ये तो आप पहले से जानते हो कि एनोड पे ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है और कैथोड पे रिडक्शन की प्रोसेस होती है। भाई दोनों तरफ से रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का, रिडॉक्स रिएक्शन बनेगा। और आपको पता है रिडॉक्स रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोडक्शन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक है। तो पहले आप इसको जरा कॉपी करो, एक लास्ट सेल है फ्यूल सेल, उसके बारे में चर्चा हम लोग कर लेते हैं, ठीक ना।
चले बच्चे, इसके बाद हम लोग बात करने वाले फ्यूल सेल के बारे में। फ्यूल सेल क्या होता है? देखो, जो फ्यूल होते हैं बेसिकली एक प्रकार का केमिकल होता है, और उसका इस्तेमाल करके आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाते हो डायरेक्टली, है ना। तो आप लिख सकते हैं यहां पर द सेल इन विच, या फिर लिख सकते हो द सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉल्ड फ्यूल सेल। द फ्यूल यूज्ड इन दिस सेल, इस टाइप के सेल में फ्यूल के रूप में आप क्या इस्तेमाल करने वाले हो? मीथेन आप ले सकते हैं, इथेन आपके पास होगा, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, इस टाइप का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो फ्यूल सेल क्या हुआ? जो केमिकल एनर्जी, जो फ्यूल है आपका, उसको आप डायरेक्टली इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना। और फ्यूल के रूप में आप मोस्टली मीथेन का इस्तेमाल करते हैं, इथेन का इस्तेमाल करते हैं, हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करते हैं, और ऑक्सीजन का भी इस्तेमाल करते हैं, है ना। इसका बेस्ट एग्जाम्पल एक आता है बाबू, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल के बारे में। अब हम लोग हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल में अगर बात करें तो ये एक बहुत ही अच्छा फ्यूल सेल है जिसका इस्तेमाल आप अपोलो स्पेस मिशन के लिए करने वाले हैं, है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं पॉइंट, इट इज वन ऑफ द सक्सेसफुल फ्यूल सेल विच इज यूज्ड फॉर पावर सप्लाई फॉर अपोलो स्पेस मिशन। जो रॉकेट वगैरह होता है ना, वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब इसके कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो इसका कंस्ट्रक्शन आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। हमारे पास टोटल 5 चैम्बर होते हैं बाबू, ये फर्स्ट हुआ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फाइव। जो लेफ्ट वाला चैम्बर होता है उसको हम लोग एनोड कंपार्टमेंट के नाम से जानते हैं, जो राइट वाला चैम्बर है उसको हम लोग कैथोड कंपार्टमेंट के नाम से जानते हैं, और बीच वाला जो है आपके पास, दिस इज एक्वस इलेक्ट्रोलाइट, जहां पर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को इस्तेमाल में लाएंगे या आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को भी इस्तेमाल में ला सकते हैं। साथ साथ ये वाला जो आपके पास दिख रहा है, ये वाला चैम्बर, ये बेसिकली है पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब क्या करेंगे कि हाइड्रोजन गैस को हम लोग एनोड के तरफ से बबल करेंगे और ऑक्सीजन गैस को कैथोड के तरफ से बबल करेंगे। हाइड्रोजन गैस इस पोरस कार्बन से होते हुए इस सॉल्यूशन पर आ जाएगा, ऑक्सीजन भी इस पोरस कार्बन से होते हुए सॉल्यूशन पर आ जाएगा, वहां से रिएक्शन होगी और वाटर बाहर निकलेगा आपका, और साथ साथ एनर्जी भी रिलीज करेगा। कैसे होंगे, आइए जरा हम लोग स्टेटमेंट के आधार पर देखते हैं। इन दिस सेल हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस बबल्ड थ्रू पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड
टू सॉल्यूशन। हाइड्रोजन गैस इज फीड इनटू द एनोड कंपार्टमेंट, एनोड कंपार्टमेंट ऑन विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ये मैंने क्या लिखा कि हाइड्रोजन गैस को आप एनोड कंपार्टमेंट की तरफ से डाल रहे हैं और ये कहां तक पहुंचेगा, पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड तक और उसके बाद सॉल्यूशन तक। यहां पर पहुंच करके इसकी ऑक्सीडेशन आपको देखने को मिल जाएगी। व्हाई ऑक्सीजन गैस फीड इनटू द कैथोड कंपार्टमेंट, कैथोड कंपार्टमेंट ऑन विच रिडक्शन टेक्स प्लेस, रिडक्शन टेक्स प्लेस। तो सिंपल सा अभी हमने कंस्ट्रक्शन आपको समझा दिया कि भाई हमारे पास टोटल 5 चैम्बर होंगे जिसमें लेफ्ट वाला पार्ट को हम लोग एनोड कंपार्टमेंट और राइट वाले को हम लोग कैथोड कंपार्टमेंट बोलेंगे। एनोड के तरफ से हाइड्रोजन गैस को बबल करना है और ऑक्सीजन को हम लोग कैथोड कंपार्टमेंट के तरफ से बबल करेंगे। अब हाइड्रोजन गैस इस सॉल्यूशन पर पहुंचेगा, ऑक्सीजन गैस भी सॉल्यूशन पर पहुंचेगा। हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगी, ऑक्सीजन की रिडक्शन देखने को मिलेगी, है ना। तो पहले इसको जरा कॉपी करो, फिर इसकी रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। चलिए बच्चों, इसके बाद अगर हम लोग इसकी रिएक्शंस की बात कर लेते हैं, रिएक्शन की बात आप कर लेते हैं, सबसे पहले एनोडिक रिएक्शन की बात करो। तो एनोड में कौन पहुंचा था बाबू, हाइड्रोजन गैस, है ना। 4 मॉलिक्यूल ऑफ OH माइनस सॉल्यूशन से, कहां से, सॉल्यूशन से, ये 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल करके 4 मॉलिक्यूल ऑफ पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऑक्सीडेशन का काम एनोड पर हो रहा है। वहीं पे अगर हम लोग कैथोड की बात करते हैं तो कैथोड पे कौन पहुंचा था बाबू, ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एंड 4 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके ये 4 मॉलिक्यूल ऑफ OH माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। नाउ अगर हम लोग नेट रिएक्शन की बात करते हैं तो 4 और 4 इलेक्ट्रॉन दोनों कट जाएगा यहां से, 4 OH माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे। 2 पानी से यहाँ पे 2 पानी कट जाएगा तो बचेगा 2 वाटर। रिजल्ट क्या बना बाबू हमारे पास, हाइड्रोजन गैस और साथ साथ यूज किया ऑक्सीजन गैस, देख सकते हो आप। और रिजल्ट क्या बना आपके पास, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2O। ठीक है, तो ये आपके पास नेट रिएक्शन देखने को मिल रहा होगा। अगर हम लोग बात करते हैं इसके इंपॉर्टेंस की, इंपॉर्टेंस ऑफ फ्यूल सेल, फ्यूल सेल का आखिर इंपॉर्टेंस क्या क्या है, सबसे पहले है ना बाबू ये इंपॉर्टेंस पर, ये हाई इफिशियंसी पर होते हैं। दिस इज अ हाईली इफिशियंसी, हाईली इफिशियंट होते हैं, लगभग 60-70% इसकी इफिशियंसी होती है। ठीक है, दूसरा क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये पॉल्यूशन फ्री वर्क करता है, पॉल्यूशन फ्री वर्क करेगा। आप देख सकते हैं पॉल्यूशन फ्री कैसे, भाई हाइड्रोजन गैस से पॉल्यूशन थोड़ी होता है, ऑक्सीजन गैस से भी पॉल्यूशन नहीं होता है और पानी से भी आपका पॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। और थर्ड आप इस्तेमाल कर सकते हैं कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस पावर सप्लाई, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंस है आपका फ्यूल सेल के बारे में, ठीक है, इसको पहले आप कॉपी कर लो। चलिए बच्चों, तो इस तरीके से आज हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर समाप्त हो चुका है।
हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाए, एक बहुत अच्छे से सीरीज वाइज हमने टॉपिक को पढ़ाया न्यूमेरिकल्स के साथ, जेई मेंस के भी क्वेश्चंस देखे, नीट के भी क्वेश्चंस देखे, जेई एडवांस के भी क्वेश्चन देखे, है ना। आई होप आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर समझ में आया होगा। हम लोग आज के लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास पर एक नए जोश के साथ, नए उमंग के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत और जय विज्ञान। नेक्स्ट लेक्चर पर हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स को, इसलिए हमारे चैनल से आप बने रहें, मैं आपकी सिलेबस कवर कराने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास पर। थैंक यू वेरी मच।